शायर है, अंतरराष्ट्रीय शायर है, मैं बगैर किसी तमीज के आपको स्टेज पर आने की दावत देता हूं। जोरदार तालियों के साथ आप इनका इस्तकबाल करें। इन शेखावाटी की धरती रा ऊपर सम्मान करेला, पुष्पहार पैरा इन रो सम्मान करेला, इन शेखावाटी की धरती रा माता। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा, मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। तशरीफ ला चुके हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब। हिंदुस्तान और हमारे राजस्थान की आन और बान और शान का प्रतीक पगड़ी पहना करके हमारे माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है इमरान भाई। आज आप पधारे और देखिए लक्ष्मणगढ़ की जनता किस प्रकार आपके स्वागत में आतुर है। पलके बिछाए बहुत देर से सिर्फ आपका इंतजार हो रहा था। मैं शेखावाटी की इस धरा पे संतों की, वीरों की, शहीदों की, इस धरती के ऊपर इमरान प्रतापगढ़ी साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे छोटे से आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने व्यस्ततम समय में से निकाल करके यहां पर पधारे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका कितना बेसर्विस से ये लोग वह इंतजार कर रहे थे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। राजस्थान की इस पावन सरजमीन को और मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद शेखावाटी जो पूरा रीजन है, उसके तमाम जिंदा दिल नौजवान, बुजुर्ग, माएं, बहनें, सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। गोविंद डोटासरा जी, आपका बड़ा जलवा और आपका बड़ा जिक्र हम लोग सुनते रहे हैं दिल्ली में बैठ करके। इस वक्त में लक्ष्मणगढ़ में प्रोग्राम हो रहा हो और उसकी सरपरस्ती, उसका नेतृत्व गोविंद नाम जो है वो भगवान श्री कृष्ण के एक नामों में से एक नाम है, गोविंद कर रहे हो, और जिसके आयोजनकर्ताओं में मुस्तफा शामिल हो, तो एक तरफ गोविंद एक तरफ मुस्तफा, ये जो दोनों नाम हैं शायद इन्हीं से मिलकर के हिंदुस्तान बना करता है। ऐसे 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 नामों से ही मिलकर हिंदुस्तान बनता है। राजस्थान सियासी तौर पर बड़ा उठा पटक देखने वाला सूबा रहा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन जब यहाँ पे साजिशें चल रही थीं, मैं उस वक्त भी कहता था कि नहीं, आप अभी राजस्थान को समझ नहीं पा रहे हैं। राजस्थान वालों, यहाँ की सादगी से हर नुमाइश हार जाती है, यहाँ की सादगी से हर नुमाइश हार जाती है, यहाँ के रेत के सहरा से बारिश हार जाती है, यहाँ के रेत के सहरा से बारिश हार जाती है। और ये बातें जाके दिल्ली वाली ताकत को बता देना, ये बातें जाके दिल्ली वाली ताकत को बता देना, इस राजस्थान में हर एक साजिश हार जाती है कि हिंदू मुस्लिम यकजहती गंगा जमुनी परिपाटी को, हिंदू मुस्लिम यकजहती
गंगा जमुनी परिपाटी को वीर शहीदों की धरती इस राजस्थानी माटी को वीर शहीदों की धरती इस राजस्थानी माटी को जिसके बेटे हंसकर भारत मां पर जान लुटाते हैं जिसके बेटे हंसकर भारत मां पर जान लुटाते हैं मेरी जानिब से सलाम है ऐसी शेखावाटी को मेरी जानिब से सलाम है ऐसी शेखावाटी को इस शहर से था एकदम अनजान चलाया बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया कितनी थी कशिश यारो मजबूर जो हो करके इमरान चलाया मजबूर जो हो करके इमरान चलाया बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं मैं चार पंक्तियां और पढ़ दूं फिर उसके बाद उन नज़मों तक आपको पहुंचाता हूं जो आप सुनना चाहते हैं लेकिन पहले चार मिसरे पढ़ता हूं के अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ हर दर्द की यारो में दवा लेके चला हूँ मुझको यकीन है के रहूंगा मैं कामयाब रहूंगा मैं कामयाब मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ वहां पर धरने दे रहा है मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ मैं कोई नाम नहीं लूंगा बहुत समझदार लोग हैं आप पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है के चाय वाले बाबू को देखिए बड़े समझदार लोग हैं गोविंद जी आपने इनकी नसों में इतनी सियासत भर दी है कि मैंने कोई नाम ले लिया लेकिन ये समझ गया कि मैं दिल्ली वाले का नाम ले रहा हूँ ये बड़े समझदार लोग हैं मैं आपको मतलब आपको सलाम करता हूँ ये आपकी परवरिश का नतीजा है इस पूरे जोन को इस पूरे इलाके को के चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी असम में खड़े हुए तो बोले नहीं आजकल असम की चाय खतरे में है तो मैंने कहा नहीं साहब असम की चाय तो खतरे में नहीं है एक फर्जी चाय वाला भले खतरे में हो सकता है असम की चाय को कोई खतरा नहीं है वो अलग बात है कि पांच राज्यों के जो नतीजे आने जा रहे हैं वहां भी वही हाल होगा जो राजस्थान में पिछले दिनों हुआ है बिल्कुल वहां भी वही परिणाम होने जा रहा है चारों तरफ अब जनता जाग रही है और उस जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते जनता का एक एक नुमाइंदा होने के नाते एक शायर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपकी आवाज बन के बोलूं आपके गुस्से को शब्द दूं तब मैं पढ़ता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर
उनको इन किसानों की हाय लेके डूबे उनको इन किसानों की। मैंने कहा ना महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया, यूनान फतेह करने के बाद वो यूनान की सड़कों पर जीत का जश्न मनाने के लिए निकला। जब वो जश्न मनाने के लिए निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन उसकी दूर नजर एक सड़क पर पड़ी एक फकीर पर जो कंबल ओढ़ के सो रहा था। सिकंदर को गुस्सा आया, वो अपने घोड़े से उतरा और उतर करके उस फकीर के पास गया और उसने जोर से उस फकीर को सोते हुए फकीर को लात मारी और उससे कहा कि क्यों रे फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है, मैंने शहर फतेह कर लिया, जीत लिया और तू सो रहा है। तो फकीर की बात पे आपकी तालियां उठे। फकीर ने उसकी तरफ सिकंदर की तरफ उनीमी आंखों से देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। खुदा की कायनात में क्या इंसानों की इतनी कमी हो गई है कि उसने बादशाह एक गधे के हाथ में सौंप दी है? लात पड़ रही है जनता को, रोज लात मारी जा रही है, जनता को रोज लात मारी जा रही है। तब इमरान यहाँ खड़ा होकर चार मिसरे पढ़ता है। मैंने कहा ना मैं इलाहाबाद से आया हूँ, मैं जिस माहौल में पला बढ़ा हूँ, मैं ऐसे शहर में पला बढ़ा हूँ जहाँ गंगा जी और जमुना जी नाम की दो नदियां जब मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं, संगम होता है वहां पर। यहाँ तमाम हिंदू धर्म के हमारे मानने वाले भाई बैठे हैं जो ये मानते हैं कि वहां स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं उस शहर से आया हूँ, लेकिन आज लक्ष्मणगढ़ में खड़ा होकर के सीकर के इस लक्ष्मणगढ़ के इस कार्यक्रम में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, लेकिन अगर धर्मों का संगम देखना हो, तहजीबों का संगम देखना हो, परंपराओं का संगम देखना हो तो आज की रात लक्ष्मणगढ़ आ जाइए, इससे बड़ा संगम कहीं नहीं हो सकता है। आपकी मिट्टी को सलाम करता हूँ। और मैंने कहा ना शुरू में ही आपसे कहा कि जिसकी नुमाइंदगी गोविंद करते हो और उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला करके मुस्तफा खड़े हो, ऐसे माहौल में कुछ और पनप सकता है लेकिन नफरत नहीं पनप सकती। तब इमरान चार मित्र पड़ता है के चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे मूड में हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं। मैंने आपसे फिर कहा कि मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझदार लोग हैं, आप समझते जाएंगे। मैं राजनीतिक टिप्पणियां करने के लिए जाना जाता हूं, अपनी नज्मों के जरिए मैं कोशिश करता हूं कि राजनीति पर कटाक्ष किया जाए और जिन चीजों से जनता को परेशानी हो रही है उन चीजों पर बात की जाए। तब मैं एक नज्म पढ़ता हूं, आप सुनने के मूड में हैं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहाँ सोया है 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने खून पसीने से सींच करके, फिरंगियों से खींच करके जिस हिंदुस्तान को, जिस लोकतंत्र को मजबूत किया, देश में संस्थाएं बनाई, उस संस्थानों के क्या हाल हो रहे हैं। मैं सलाम करूंगा राजस्थान सरकार को जो थोड़ा बहुत
दिल्ली की सरकार से लड़ते हुए यहाँ आम आवाम को राहत भी दे रही है, पेट्रोल और डीजल पर भी राहत दे रही है वैट हटा करके। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार के लिए एक जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि वो आपको दिल्ली से हट करके भी राहत दे रहे हैं। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली गैस 800 पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर जोर से बोले, बताइए कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया। तो पीछे से किसी सांसद ने कहा, भैया बताना मत वरना जो बचा है वो भी बिक जाएगा। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। नाम नहीं लेता लेकिन एक नाम बड़ा प्यारा है तो लेने का मन कर रहा है, ले ले रहा हूं। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई ने मचा रखा है भीषण हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। जवान के दुश्मन रोजी रोटी छीनने वाले नौजवान के दुश्मन, इनको भारत का किसान खालिस्तानी लगता है। अगली पंक्तियां पहुंचाना दिल्ली तक। इनको भारत का किसान खालिस्तानी लगता है, जो किसान का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का दुश्मन। जो किसान का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का दुश्मन। आम आदमी नहीं है अंबानी की है सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। जैसे राजस्थान में जनता ने नकार दिया तो फिर साजिशें करो, तोड़ो लोगों को जबरदस्ती, ईडी भेज दो, कुछ सब कुछ है सब कुछ लगा दो, सारी संस्थाएं लगा दो और डराओ। लेकिन मैं जानता हूं कि कांग्रेस का मतलब देश है, और देश कभी डर नहीं सकता, कांग्रेस कभी डर नहीं सकती। तो मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, तैयार रहना, एक बड़ी जिंदा दिली वाली नज़्म पढ़ता हूं। लोग मुझसे कहते हैं, इमरान साहब आप शायर हैं, मोहब्बतों की बात किया करिए, लबो रुखसार की बात किया करिए, सियासत पर टिप्पणी मत किया करिए, परेशान हो जाएंगे। तब मैं लोगों से कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत कर रहा हूं और आपका समर्थन मांगता हूं। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। शेखावाटी वालों, आप उस मिट्टी के लोग हैं जहां का एक बेटा जरूर सरहद की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान की सरहद पे खड़ा है। मैं ऐसी मिट्टी को सलाम करता हूं। जब ऐसी मिट्टी के लोगों को भी डराने की सियासी साजिशें होती हैं, तब इमरान अल एलान ये मिसरे पड़ता है राजस्थान की इस पावन सरजमीन से। के वक्त के हाकिमों बाद शाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐसे
सियासत के मगरूर शाहों सुनो मत समझना, राजस्थान बोल रहा है इन पंक्तियों में, के मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना। एक बंद पढ़ता, ये चारों तरफ जो झंडे लहरा रहे हैं इन्हीं रंगों से मिल करके भारत बनता है, हिंदुस्तान बनता है, और ऐसे लोग हिंदुस्तान को एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं बैठे हैं, उनकी तरफ से एक मिसरे पढ़ता हूं कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, पूरे राजस्थान पंक्तियां जाए दिल्ली तक, के तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपको आपके रंग की चीजें सुनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन यह मेरा फर्ज था जिसे मैं पूरा कर रहा था। देखिए शेखावाटी वालों, लक्ष्मणगढ़ वालों, सीकर वालों, चुरू वालों और आसपास में झुंझुनू वालों, हम शायर हैं, हम कलमकार हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारियां, हमें डरना नहीं, हमें आपकी आवाज बन के बोलना है। तब एक नज्म पढ़ता हूं आपके बीच में कि सच बात की पैरोकारी है, सौ झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना, मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, झूठों का नारा हारेगा, झूठों का नारा हारेगा, इंसाफ का मारा हारेगा, आमीन कहो आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। और गोविंद जी, साजिशें होंगी, सारी तिकड़में लगाई जाएंगी, लेकिन जब जंग पे निकले हो तो फिर, जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना, मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। जो साथी इस स्टेडियम में मौजूद है, मैं उन्हें एक बहुत छोटी सी बात कहकर के एक नज्म सुनाता हूँ किसानों पर,
मेरे भाई एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई गोविंद भाई, वो उड़ करके पड़ोस के जंगल के तालाब पे गई और अपनी चोंच में दो बूंद पानी भर करके लेके आई और दहकती हुई आग के ऊपर दो बूंद चोंच का छोड़ दिया पानी। फिर पलट के गई, फिर पानी लेकर के आई, फिर गौरैया गई और चोंच में पानी भर के लाई और दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी, तो वहां बैठे अजगर ने गौरैया से कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे दो बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब पर आपका समर्थन मिले। गौरैया का जवाब हम जैसे तमाम कलाकारों का जवाब है। गौरैया ने अजगर से कहा कि मुझे ये बात पता है कि मेरे दो बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग ना बुझे, लेकिन मुझे उससे भी बड़ी बात ये पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं उस कोशिश के लिए आपके बीच खड़ा हूं। मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझसे मुस्तफा भाई कह रहे थे, इमरान भाई ये बहुत बड़ी सरजमीन है, ये ऐसी सरजमीन है जो गंगा जमुनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। मैंने कहा इससे अच्छा खूबसूरत माहौल क्या हो सकता है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वो उत्तर प्रदेश जहाँ रामपुर है और मैं लक्ष्मणगढ़ में आया हूँ, तो ये भाइयों के मिलन जैसा भी है। एक तरफ रामपुर है और यहाँ लक्ष्मणगढ़ है। मैं ऐसे सूबे से आया हूँ। अच्छा इधर भी कुछ लोग नए नए आए हैं। अच्छा आपकी भी मौजूदगी को सलाम करता हूँ, इन युवाओं को भी। मैंने कहा ना ये मिट्टी बड़ी खूबसूरत मिट्टी है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिट्टी है। ऐसी मिट्टी में खड़ा हूं जहां के ज्यादातर घरों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। यहां से कायम खानी एक घराना आता है, एक कबीला आता है जिसके हजारों जवान लगातार सरहदों पर जंग लड़ते रहते हैं, दुश्मन देश के छक्के छुड़ाते रहते हैं। मैं यहां खड़ा होकर के एक नज्म सुनाता हूं। मैंने कहा ना ये लहराते हुए झंडे हैं, मेरा नाम इमरान है, पड़ोसी मुल्क में भी एक इमरान है, लेकिन मैं भारत का इमरान हूं। कल ही प्रधानमंत्री जी ने उनको वैक्सीन दी है और वैक्सीन से ठीक होकर के कोरोना से ठीक होने की दुआएं भी दी हैं पड़ोसी वाले को। मैं यहां खड़ा हूं, मैं एक नज्म सुनाता हूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक नज्म सुनाऊं और ये नज्म पूरे देश में जाए, पूरे देश में जो माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही। गोविंद भाई मैं उस उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं जहां गाजियाबाद में पिछले दिनों एक बच्चा एक मंदिर में पानी पीने चला गया, तो उसे इसलिए पीट दिया गया कि तू मंदिर में पानी पीने क्यों आया। मैं लक्ष्मणगढ़ में खड़ा हूं। मैंने कहा ना मैंने यहां के मंदिरों में यहां के मस्जिदों में जो माहौल खूबसूरती का देखा है, मैं तो पूरी दुनिया में जाकर के बताऊंगा कि यार हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखनी हो तो जाओ शेखावटी जाओ, वहां से अच्छी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। मैं यहां खड़ा होकर के नज्म सुनाता हूं। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। इमरान खड़ा है, भारत का इमरान खड़ा है, गोविंद जी सामने बैठे हैं, शेखावाटी में खड़ा है और एक दुआ कर रहा है। जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम नफरतें सियासतें, उन सब के नाम इमरान एक नज्म पढ़ रहा है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इतनी कमजोर ताने से काम नहीं चलेगा, शेखावाटी की मिट्टी से उठा नजर आना चाहिए। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में भीड़ के, तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। और अगले दो मिसरे में तैयार रहना लक्ष्मणगढ़ वालों, तूने नफरत का जो बाजार हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है।
ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, के सबके दिलों की जान बनाया है आपने, सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने। बूंद भी शायद पड़ने जा रही है, मौसम भी बिल्कुल आप जैसा हो रहा है, बिल्कुल माहौल में रंगा हुआ है, तो हाँ मेरा ख्याल है बारिश होने वाली है और आप अभी तक बारिश में डटे हुए हैं, बारिश से डर नहीं रहे, देखिए बूंदें तेज पड़ने जा रही हैं, ये आपने कविता के